आई मई सेल्फ हैव बीन इन टू केमिकल एक्सपोलिएशन फॉर ओवर एन ईयर नाओ और मैं ये वीडियो काफ़ी पहले बनाना चाहती थी बट बिफोर मैं आप लोगों को कुछ बताती आई वॉन्टेड टू रियली टेस्ट एंड ट्राई एवरी थिंग आउट एंड नाउ दैट आईम योर ट्रस्ट मी हैव सीन बोथ द गुड एंड द बैड साइड ऑफ केमिकल एक्सपोलिएशन मेरे स्किन बैरियर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था वेन आई स्टार्टड केमिकल एक्सपोलिएशन बिकॉज केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में मार्केट में आजकल इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं इतना ज्यादा हाइप हो चुका है कि जो मेन डिटेल स्पेसिफिक्स होते हैं दे जस्ट गेट लॉस्ट इन द ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो आज के टाइम पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं विद ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव्स and there are a lot of recommendations and products to choose from तो so, इसके वजह से पूरा process काफ़ी ज़्यादा confusing and difficult हो जाता है so अगर आप लोग तो भी plan कर रहे हो chemical exfoliation try out करने का या start करने के लिए so this is the video that you need to watch तो so, make sure आप इस video को ज़रूर end तक देखें And if you're new to my channel, please take out a moment and hit that subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. मेरे सारे नोट्स यहाँ मेरी नोटबुक में रेडी हैं ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ सो लेट्स जस्ट स्टार्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिकल एक्सफोलिएशन एक्चुअली होता क्या है केमिकल एक्सफोलिएशन बेसिकली आपके सेल्स के साथ डील करता है हमारी बॉडी एंड हमारे फेस पे जो स्किन होती है उसकी एक नेचुरल साइकिल होती है अप्रॉक्सीमेटली वन मंथ में हमारे सारे स्किन सेल्स रीजनरेट होते हैं बट हमारी लाइफ स्ट्रेस सन एक्सपोजर एजिंग एंड ऐसे और भी बहुत सारे रीजन है जिनकी से हमारे सेल रीजेनरेशन का प्रोसेस जो है वो ओवर टाइम स्लो हो जाता है एंड वहां पे हम लोगों को केमिकल एक्सफोलिएटर्स की जरूरत पड़ती है तो so, जो केमिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं वो हमारी जो डेड स्किन है उसको जल्दी जल्दी रिमूव करने में हेल्प करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स का टर्न ओवर रेट है वो इंक्रीज हो जाता है सो so, इसके काफी सारे बेनिफिट्स है जैसे कि मैंने बताया आपके सेल टर्न ओवर के रेट को इंक्रीज करता है आपकी स्किन काफी ज्यादा रिफाइंड एंड स्मूथ फील करने लग जाती है आपके पोर्स भी ओवर द टाइम मिनिमाइज होते हैं उतना ज्यादा ओपन पोर्स का अपियरेंस नहीं दिखता है अगर आपको टैनिंग हो गई है तो उसको रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत अच्छे से इवन टोन लुक मिलता है एंड केमिकल एक्सपोलियेशन के बाद क्योंकि आपकी डेड स्किन की पूरी लेयर निकल जा

सो so, जो एक बॉन्ड होता है हमारे स्किन सेल्स के बीच में उसको जो केमिकल एक्सफोलिएटर्स है वो ब्रेक कर देते हैं एंड व्हेन दैट बॉन्ड इज ब्रोकन जो हमारे टॉप लेयर होती है स्किन की वो आपकी साइकिल में शेड कर जाती है एंड हेंस ऊपर वाली डेड स्किन लेयर पूरी रिमूव हो जाती है नीचे से जो नए यंग रिजुविनेटेड स्किन सेल्स है वो आपकी स्किन पे ऊपर आते हैं एंड हेंस योर स्किन लुक्स वेरी वेरी ब्राइट स्मूथ पोलेस एंड इट रियली लुक्स वेरी वेरी नाइस सारी टैनिंग रिमूव हो आती है डेथ स्किन रिमूव हो जाती है योर स्किन लुक्स रियली लाइक अ बेबीज बम्प यू कैन सी माई स्किन हैज बीन डूइंग सो वेल ऑल थैंक्स टू केमिकल एक्सपोलिएशन एंड ऑल्सो अगर आपके आंकने की प्रॉब्लम है तो वो मेनली इसीलिए होती है क्योंकि आपके पोर्स क्लॉग हो चुके होते हैं अब आप ऊपर से कुछ भी करते रहो आपके अगर पोर्स क्लीन नहीं है तो फिर आपके आंकने की प्रॉब्लम नहीं जाएगी चाहे वो ब्लैक हैड्स हो वाइट हेड्स हो सिस्टिक आंकने हो या किसी भी टाइप का आंकने हो तो जो केमिकल एक्सपोलिएटर्स होते हैं वो आपकी स्किन में डीप विद इन जाके काम करते हैं सो तो आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं उसके वजह से आपके ओपन पोर्स का जो अपियरेंस है वो भी कम हो जाता है एंड आपके आंकने भी क्लियर आउट कर जाते हैं आई एम नॉट सेंग किमिकल एक्सपोलिएशन सिर्फ ऑयली एक्नेप्रोन स्किन टाइप के लिए आपकी कोई भी स्किन टाइप या स्किन कंसर्न है देर इज अक्सपोलिएटर फॉर यू यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप राइट एक्सपोलिएटर यूज़ कर रहे हो नाउ वेन आई इट्स टॉक अबाउट एक्सपोलिएशन केमिकल एक्सपोलिएशन सिर्फ एक तरीका नहीं है देर आर फिजिकल एक्सपोलिएटर्स इन द मार्केट अब इन दोनों में डिफ्रेंस ये रहता है कि जो फिजिकल एक्सपोलिएटर्स है वो आपकी स्किन की सर्फेस पे काम करते हैं जैसे कि आप लोगों ने स्क्रब्स वगैरह यूज़ किए होंगे जिनमें बीत टाइप के पार्टिकल्स होते, तो होते हैं तो स्क्रब ऑफ द डेड स्किन सेल वो फ़िजिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं एंड जो केमिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं उनमें कोई भी ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते इट इज़ लिटरली लाइक वाटर बेस्ड सीरम जैसे होते हैं

फेवरेट फिजिकल एक्सपोलियटर्स जिनको मैं शायद महीने दो महीने में एक बार यूज कर लेती हूँ। बट आई डॉक्स एंड आई विलोर्स एंड इट कैन कॉज डैमेज इन द लॉन्ग रन सो इट इज बेटर एक्सपोलिये स्किन तब तो फिजिकल एक्सपोलियेटर्स आर अग नो नो क्योंकि वह आपके

AHA, BHA and PHA. AHA is एंड hydroxy acids जो कि water soluble होते हैं BHA एच एज आर बीटा हाइड्रोक्सी जो कि ऑयल soluble होते हैं एंड देन आर PHA's जो कि काफी ज्यादा माइल्ड वर्जन होता है केमिकल exfoliator का सो so, अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्किन कंसर्न और टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन सा exfoliator चूज करना चाहिए सो अगर आपकी ड्राई स्किन या वेरी वेरी ड्राई स्किन है सो ए एच एज आर गुन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स क्योंकि ए एच एस जो होते हैं वो वाटर सेलेबल होते हैं एंड दे वर्क ऑन द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन यानी कि सर्फेस पे ही काम करते हैं ज्यादा डीप विद इन पेनिट्रेट करके काम नहीं करते हैं एंड ऑल्सो वो हेल्प करते हैं आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने के लिए तो ड्राई स्किन के लिए हाइड्रोक्सी एसिड्स आर परफेक्ट एंड द टू वेरी फेमस ए एच एज आर ग्लाइकॉलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड अगर आपकी स्किन पे छोटे टेक्सचर हो रहा है सो उन सब चीजों के लिए ए एच ए यानी कि ग्लाइकॉलिकली गुड बट इफ यू हैव लाइक ड्राई स्किन एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ग्लाइकॉलिकेटिंग लिटिल टू ड्राइंग और हार्शोनियकिन आप लोग लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हो सो एनी थिंग यू नो कंसर्निंग द टॉप लेयर ऑफ यूर स्किन ए एच एज विल वर्क एक्निस कार्स के लिए भी ग्लाइकोलिक एसिड काफी अच्छा काम करता है स्किन के जो टॉप टॉप डेड स्किन की लेयर है उसको रिमूव करता है एंड जो स्कार्स हैं वो बेसिकली आपकी स्किन की टॉप लेयर पे ही हैं तो फिर वो भी रिमूव हो जाते हैं नीचे से न्यू सेल्स आते हैं एंड देन द स्कार्स फेड अवे सो यस दैट इज वेयर यू कैन यूज एएचए नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेंसिटिव स्किन तो एएचए मे बी अ लिटिल बिट टू यू नो एक्सट्रीम फॉर यू तो आप लोग बी एच एज यूज कर सकते हो क्योंकि बी एच एज स्किन सो आप लोग बी एच एज यूज कर सकते हो माइल्डर फॉर्म में कम कॉन्सेंट्रेशन में बट इफ़ यू फील दैट बी एच एज आर लिटल टू स्ट्रॉग फॉर योर स्किन एंड इफ यू फील दैट आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है सो बी एच एज के बदले आप लोग यूज कर सकते हो पी एच ए दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड एंड इट इज वेरी वेरी माइल्ड एंड इट विल नॉट इरिटेट योर स्किन एट ऑल इनफैक्ट अगर आपको एग्जेक्ट रोजेशिया ऐसी स्किन कंडीशन हैं तब भी आप लोग पी यूज कर सकते हो इट विल नॉट इरिटेट योर स्किन बट कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले मेक श्योर यू टेक अ पैच टेस्ट नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप जो कि मेरी है आपको बहुत ज्यादा एक्ने होता है आपके पोर्स क्लॉग होते रहते हैं तो बी आपके बेस्ट फ्रेंड होने वाला है बिकॉज बी एच ए इज दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वो ऑयल सेल्यूबल होते हैं एंड वो सर्फेस पे काम ना करके बहुत डीप विद इन जाके आपके पोर्स को क्लीन करते हैं जितना भी गंक सीबम पूरा आपके पोर्स में कलेक्ट तो रखा सबको डिजोल्व करके रिमूव कर देता है सो बी एच एज विल वर्क रियली रियली वेल अगर आपको एक्ने है चाहे कोई भी एक्ने चाहे ब्लैक हेड्स सिस्टिक एक्ने, कोई से भी टाइप के आपके एक्ने हैं सैलिसलिक एसिड विल वर्क द बेस्ट फॉर इट एंड टू पर बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा से स्टार्ट करो एंड यू कैन गो अहेड फॉर सीरम आपको ऐसा लग रहा है ड्राई आउट कर रहा है तो फिर आप उसको लैक्टिक एसिड जो की एच ए है उसके साथ कंबाइन कर सकते हो क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया ए एच एज आपकी स्किन में मॉइस्चर लॉक करने के लिए हेल्प करते हैं सो so आप लोग सालिसलिक एसिड और लैक्टिक एसिड को साथ में यूज कर सकते हो ताकि आपके आंकने की प्रॉब्लम भी कम क्ट हो जाए एंड उसके साथ साथ आपकी स्किन ज्यादा ड्राई भी ना हो एंड नाउ इफ यू हैव लाइक एजिंग स्किन तो उसके लिए आप लोग तो सकते हो, लोगों की फाइन लाइन और रिंकल्स में हेल्प करता है एंड यू कैन यूज ए एच फॉर दैट एंड साथ ही साथ आपकी स्किन में मॉइस्चर को भी लॉक करेगा एंड इसमें एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर इट विल गिव अ ग्लोइंग स्किन इज वेल नाउ जो कि हमने बात कर लिया है कि डिफरेंट स्किन टाइप एंड कंसर्न्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन सा केमिकल एक्सफोलिएटर यूज करना चाहिए

But if you want, you can start it on your own.

स्टार्ट विथ दैट एंड उसको भी सबसे पहले ला के अपनी इस वाली एरिया पर पैच टेस्ट कर लो एंड इफ यू सी देर इज़ अ रिएक्शन डू नॉट यूज दैट प्रोडक्ट एंड अगर आपको कोई भी ऐसा बैड रिएक्शन नहीं दिखता है दैट मीन्स यू आर गुड टू गो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को अल्टरनेट डेज पे यूज़ करो एंड अगर कुछ ज़्यादा हार्श इंग्रेडिएंट है तो जस्ट यूज़ इट ट्वाइस अ वीक एंड ऐसे करके धीरे धीरे आप अपनी स्किन पे उस प्रोडक्ट का टॉलरेंस बिल्ड अप करो एंड देन फिगर आउट कि आपकी स्किन के लिए वो प्रोडक्ट कितना काम कर रहा है नाउ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यूज़ करना रहता है अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूंगी आप नीचे कॉमेंट्स में ड्रॉप कर देना एंड लाइक एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट को ट्राई करना शुरू करो एक प्रोडक्ट ने ट्राई किया उसको यूज इट फॉर 15 20 डेज एंड सी हाउ योर स्किन इज रिएक्टिंग एंड इफ यू थिंक कि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा काम कर रहा है उसी के बाद आप चाहो तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो या फिर उसको पेयर कर सकते हो किसी और इंग्रेडिएंट के साथ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज केमिकल एक्सफोलिएशन क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर की, की लेयर रिमूव कर रहा है एंड नीचे से न्यू सेल्स आपके एक्सपोज हो रहे हैं सो योर स्किन सेंसिटिविटी टू सन इंक्रीजेज अ लॉट तो एस पी एफ तो आपका हमेशा लगाना ही रहता है आई ऑलवेज से दैट बट अगर आप केमिकल एक्सपोलियेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद दोपहर के टाइम पे सनस्क्रीन लगाना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी डेड स्किन रिमूव हो गई है आपकी जो न्यू सेल्स है वो अभी एक्सपोज हुए हैं तो आप नहीं चाहते हो कि सन में आप डायरेक्टली जाके अपने न्यू स्किन सेल्स को डैमेज कर दो सो ऑलवेज रिमेम्बर टू व्यव योर एस पी Once you start doing chemical exfoliation and otherwise also and also जब आप start कर रहे हो तो अपने एक time के routine में जैसे कि morning routine है या evening routine है तो एक routine में try to not add a lot of uh, chemical exfoliators एक time पे एक ही chemical exfoliator use करो ताकि आपकी skin over exfoliate ना हो जाए because that is what I did जब मैंने start किया था chemical exfoliation मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा था इस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं था that I was not well

सफ़र करने लगी थी एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई वाज़ यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि उस कंडीशन uh, को यू you नो know, सही करने में हेल्प करती बट देन वो गुड होने की जगह बैड हो गया बिकॉज आई जस्ट यूज़ देम ओवरली जितना यूज़ करना रहता है मैंने उससे कई ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया था तो उसकी वजह से मेरी स्किन अच्छी होने की जगह बेकार हो गई थी बट नाउ दैट यू कैन सी एनी स्किन कंसर्न दैट आई हैव आई नो विच इन्ग्रीडियंट टू यूज़ एंड मैं उसी हिसाब से अपना जो नाइट टाइम रूटीन है ना उसको कस्टमाइज़ करती रहती हूँ कि मुझे आज मेरी स्किन को क्या ज़रूरत है उस हिसाब से मैं एक एक्टिव इन्ग्रीडियंट यूज़ करती हूँ सो इवनिंग स्किन के रूटीन इज़ नॉट फिक्सड फॉर मी जैसे अगर मेरे ज़्यादा आंकने हो रहा है तो आई गो फॉर सैलिसलिक एसिड अगर मेरे नहीं आंकने हैं आंकने मास्क रह रखे हैं या वाइट हेड्स हो रहे हैं छोटे छोटे तो फिर मैं ए एच ए ग्लाइकॉलिक एसड यूज़ करती हूँ समटाइज आई यू

थोड़े कम कंसेंट्रेशन में जो सीरम्स आते हैं उनको यूज करो वीडियो अगर आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज गिव इट थम्स अप एंड आप लोगों के कोई भी अगर क्वेश्चन केमिकल एक्सफोलिएशन या स्किन केयर या किसी भी टॉपिक पे इन जनरल यू कैन ड्रॉप दम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट सो येस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट एव टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय